तो दोस्तों हम यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चलिए चलते हैं हम राजा दल यहाँ पर जो पंडाल बना हुआ है भव्य मंदिर वहाँ पर, और वहीं पर चलकर हम आप लोग को पूरा दिखाएंगे भव्य पंडाल को। चलिए अब चलते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही फैंटास्टिक एंड बहुत ही अच्छा कलाकारी इस पंडाल में दिखाया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं ये थर्मोकोल से पंडाल बनाया गया है। ये तो बहुत ही अच्छा लगा हमको देखने में दोस्तों। और इधर से आप लोग देख सकते हैं लाइटिंग सेट किया गया है, जो कि अलग अलग कलर में इसको जैसे कि दिखा रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा देखने में लगा हमको। चलिए अब चलते हैं अब अंदर की ओर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को पूरे तरह से पंडाल को दिखा दिया है और अब बारी है अंदर जाने का। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर चलकर आप लोग को हम दिखाएंगे जो कि उसमें दुर्गा माँ का मूर्ति होगा उसको दिखाएंगे, और जो भी अंदर चलने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं अंदर की ओर इंटर और आप लोग को हम दिखाएंगे पूरा। अभी तो यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अब चलिए चलते हैं पूरे अंदर और देखते हैं कैसा है यहाँ का दृश्य। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अंदर से भी डेकोरेशन किया गया है और काफ़ी अच्छा अंदर से भी सजावट किया गया है, और सबसे अच्छा तो यहाँ हमको लगा ये ऊपर वाला, देख सकते हैं इसको भी हम दिखा दें साइड से, आप लोग इधर देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा है। और माँ का प्रतिमा भी बहुत अच्छा बनाया गया है, माँ का प्रतिमा तो बहुत ही अच्छा है। और शायद इधर आप लोग देख सकते हैं इधर लेडीज़
जो लेडीज लोग के लिए लाइन है, और इधर जेंट्स जितने लोग हैं देख सकते हैं आप लोग, तो सिर्फ फोन ही दिख रहा है इधर दोस्तों, और फोन चलिए और हम आप लोग को दिखाते हैं कि प्रतिमा बहुत अच्छा तो अब दोस्त हम निकलते हैं बाहर की ओर, और बाहर से फिर से एक बार हम आप लोग को मंदिर को दिखलाएंगे, और दिखलाने से पहले हम आप लोग को फिर से बोल रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।